हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एजी क्लास 12 एजी एग्रीकल्चर 11 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए दोस्तों पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। जो सब्जेक्ट कठिन सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट के वीडियो, सभी सब्जेक्ट को नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ए टू जेड आपको तैयारी कराई जाएगी, बिंदास तैयारी कराई जाएगी अपने चैनल पर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए आपको बता दूं, देखिए मेरा नंबर है 8650415957। दोस्तों, इस बार देखिए 2020 और 2021 में आपके पास एक बेहतर मौका है, एक सुनहरा मौका है परसेंटेज अच्छी बनाने का। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की महामारी के कारण बोर्ड ने 30% का सिलेबस आपका कम कर दिया। कितने परसेंट दोस्तों? 30% सिलेबस कम कर दिया। अब सिलेबस बचा 70%, यानी 70%। अब आप समझो, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, तो दोस्तों उसके लिए तो चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल बंद रहे या खुले, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि वो तो सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान देता है, कहीं ना कहीं से वो पढ़ ही लेता है। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाले होते, वो चाहे 30% सिलेबस रह जाए या 50% रह जाए या 70% रह जाए, इन बातों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस बार देखिए बच्चे जितने निकल गए पास करके, चाहे वो 19 बैच के थे, चाहे वो 18 बैच के थे, चाहे वो 20 बैच के थे, चाहे वो 21 के बाद आने वाले स्टूडेंट हो, उन स्टूडेंटों के लिए देखिए कहीं ना कहीं मार्क्स की कमी जरूर मार्कशीट में दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस बार जो आपका पेपर आएगा वो आएगा 70% सिलेबस से। तो दोस्तों, 70% सिलेबस से जब पेपर आएगा तो सिलेबस बहुत कम है और परसेंटेज बनाने का यही आपके पास एक लक्की चांस है। तो दोस्तों, इस लक्की चांस को बिल्कुल भी आप मत गवाइए, परसेंटेज बनाइए 55 से लेके 85 के बीच में। दोस्तों, जैसे ही इतनी परसेंटेज आपकी बनती है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तुरंत एडमिशन मिल जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर में। जब बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो फीस मात्र होगी नाम मात्र की। फीस नाम मात्र की होगी आपकी 4-5 हज़ार रुपये। जब 4-5 हज़ार रुपये फीस होगी और ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो दोस्तों आपकी बीएससी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी। तो इसलिए इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग कीजिए, आपकी परसेंटेज आपकी हाई बने। तो दोस्तों देखिए, ये इस वीडियो में हम जानेंगे आज कि न्यू सिलेबस है। देखिए, न्यू सिलेबस आपका, न्यू सिलेबस है 2020-2021 का कृषि रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस है एफ टू क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को पता लग सके कि सिलेबस कम हुआ है। हमारे लिए एक ऑफर है, सुनहरा मौका है अच्छी परसेंटेज बनाने का। दोस्तों, मेरे चैनल से आप जुड़िए, मेरे चैनल से ही लगातार जुड़े रहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, जो सिलेबस कम हुआ है उस सिलेबस के बारे में हम जानकारी आज लेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट है हमारी, वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो टॉपिक है, देखिए, परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, परमाणु संरचना और रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी, ये टॉपिक आपको अब इस बार नहीं पढ़ना है, परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी। दूसरा टॉपिक समझिए, दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है एवोगाड्रो की परिकल्पना और उसके उपयोग। तो एवोगाड्रो की परिकल्पना और उसके उपयोग, ये भी इस बार हमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, ये वाला टॉपिक देखिए भौतिक रसायन से है, फिजिकल केमिस्ट्री से है, दो टॉपिक ये हो गए, परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी, दूसरा है एवोगाड्रो की परिकल्पना और उसके उपयोग। अगला जो देखिए यूनिट दो से जो चैप्टर हटा है आपका, यूनिट दो से हटा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोस्तों टॉप मोस्ट क्वेश्चन हुआ करता था, अच्छा टॉपिक हुआ करता था, इससे तो 100% पेपर में आता ही था। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी इस बार हट गया, तो ये भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ये तो होगी दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री की बात, यानी भौतिक रसायन से। दूसरा है देखिए अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पहली आपको है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीन पार्ट में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे।
तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में क्या हटाया गया है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। गंधक, पहला टॉपिक है हमारा गंधक, तो गंधक आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद है सल्फ्यूरिक, सल्फर डाइऑक्साइड आपको नहीं पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको नहीं पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद देखिए क्लोरीन, क्लोरीन आपको नहीं पढ़नी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको नहीं पढ़ना। तो दोस्तों अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 में इतना ही कम हुआ है। गंधक को नहीं पढ़ना है, सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं पढ़ना है, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। कब? 2020-2021 के में, यानी इस साल के स्टूडेंटों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो समझिए आप। एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड आपको बिल्कुल भी छूना तक नहीं है। एसीटोन नहीं पढ़ना। अमीन, अमाइड मेथिल तथा एथिल एमीन, यूरिया, ब्यूटीरिक, लैक्टिक, इक्षु, शर्करा, स्टार्च, ये सारे टॉपिक इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों बहुत कुछ आपका कम हो गया केमिस्ट्री में भी, सभी सब्जेक्टों में 30% सिलेबस कम हुआ। तो हमारा अब एक ही उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों कि हम कम से कम परसेंटेज 75 से लेके 85 के बीच में बनाएं, ताकि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, मेहनत करना आप शुरू कर दो। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिन्होंने बुक्स ले ली है उन बुक्स में इन टॉपिक को आप निशान लगा लीजिए या नोट करके रख लीजिए। जिन्होंने बुक्स नहीं ली है वो थोड़ा सा वेट करिए, 2020-2021 की न्यू बुक्स आएंगी और न्यू सिलेबस उसमें दिया हुआ होगा। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी आपको देनी थी, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।